मामा श्री वासुदेव, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि भ्राता श्री दुर्योधन वज्र का शरीर लेकर आएंगे या फिर उनका कोई अंग निर्बल रह जाएगा? बैठिए मामाश्री, यूथ को मध्य में छोड़कर जाएंगे तो आपको अग्नि स्नान करना होगा। भूत कपटी चलिया, अब फिर से कौन सी माया खेली है तुमने? मैंने तो केवल आपके प्रिय दुर्योधन को इतना कहा कि एक युवान को अपनी माता के समक्ष पूर्ण निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए। उचित व्यवहार नहीं होता, पाप होता है। मामा श्री, मैंने तो अभी एक पासा तक नहीं फेंका और आपने हार मान ली। धूर्त कपटी, तेरा तीर आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा वासुदेव? मैं ना वासुदेव कृष्ण, मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ कुरुश्रेष्ठ, मैं ही सत्य ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। दुष्ट अश्वत्थामा, तुमने अपनी शक्तियों का सदा ही दुरुपयोग किया है। तुमने जो कार्य किया है, ऐसा कार्य पूरे संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। दुर्योधन, दुशासन, गांधारा, शकुनी, कंस, रावण और हिरण्यकश्यपु से भी अधिक दंड तुम्हें प्राप्त होगा। बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ये युद्ध तुम्हारा नहीं है मेरे बच्चे, वास्तव ये युद्ध मेरे और वासुदेव कृष्ण के बीच है। सुनो वासुदेव, पांच गांव तो क्या सुई की नोक पर रह सकें, भूमि का उतना भाग भी मैं उन पांडु पुत्रों को नहीं दूंगा। निर्णय लेने से पहले अंतिम विचार कर लीजिए युवराज, कहीं ऐसा ना हो जब आपको आपका भविष्य निकट आता दिखाई दे, स्वयं के रक्षण हेतु आपको भागना पड़े।
सुदामा ने अभी तक किसी व्यू की रचना क्यों नहीं की? कहीं पहले दिन की तरह आज भी वो दोनों ओर से हमारी सेना पर आक्रमण करने की योजना तो नहीं बना रही? नहीं पार्थ, महामहिम उत्तम सेनापति, जिस व्यू की जानकारी शत्रु पक्ष को, उस व्यू को दोबारा नहीं रचेंगे महामहिम। वैसे भी युद्ध का व्यू होता है, विध्वंस का व्यू नहीं होता। किसी स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा कर आपने सारी सभा को अधर्म सिद्ध कर दिया था युवराज। हमें भी इंद्रप्रस्थ की सभा में निशस्त्र किया गया था, क्या भूल गए वासुदेव? आया सभा में जब आपके शस्त्र उतारे गए थे तभी आपने युद्ध का आवाहन क्यों नहीं दिया युवराज? युद्ध सभा में प्रपंच करके एक स्त्री को निर्वस्त्र करने की योजना क्यों बनाई आपने? सत्य तो ये कि आपके पास युद्ध का सामर्थ्य ही नहीं। जीत कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती। वैसे एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। विचारने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए उसे धर्म कहते। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार और मन में मोह तथा लालसा होती उसके हाथों धर्म का कार्य तो हो ही नहीं। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।